मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक संघ के पदाधिकारी के घर में रविवार देर रात एक महिला अपने दो साथियों के साथ घुस गई, लेकिन इस बीच शोर मचाने पर तीनों भाग निकले। वहीं तीनों बदमाश वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विजयनगर की गली नंबर 1 में संघ पदाधिकारी विजयवीर रस्तोगी अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहीं रविवार देर रात मुंह ढके हुए एक महिला उनके घर पर पहुंची और उनके बेटे की पत्नी से गेट पर बात करने लगी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश इस दौरान गेट से दूर खड़े इंतजार करते हुए दिखे। मौका मिलते ही दोनों दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और संघ पदाधिकारी की पुत्रवधु को बंधक बनाने का प्रयास किया, जिस पर महिला ने शोर मचा दिया, जिससे दोनों बदमाशों के साथ उनकी साथी महिला भी भाग निकली। इसके बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में लेकर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है, जबकि इस घटना के बाद मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल है और उन्होंने पुलिस की गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है।